ডেট বিনা ব্রেক ডাউনলোড টাক অ্যাপ। पूरा देश गणतंत्र दिवस समारोह मना रहा है। जगह जगह पर गणतंत्र दिवस समारोह हो रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज लहराया जा रहा है। हम इस वक्त सीमावर्ती इलाके कुपवाड़ा में हैं। दरअसल सीमा की रक्षा हमारे देश के बहादुर सेना के जवान ही कर रहे हैं। हम ये गणतंत्र दिवस इन जवानों के साथ, इन अफसरों के साथ मनाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे साथ जो यहाँ अफसर हैं, कमांडिंग अफसर इस यूनिट के, उनसे ही बात करेंगे कि किस तरह से वो सेना के जवान जो देश की हिफाजत के लिए यहाँ हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, किस तरह से वो गणतंत्र दिवस समारोह मना रहे हैं। कल साहब, दरअसल ये तो पूरा देश आज गणतंत्र दिवस मना रहा है और आप भी यहाँ सीमाओं पर है। आपके ज़िम्मे देश की रक्षा है, देश की सुरक्षा है, तभी देशवासी जो हैं इस दिवस को मना रहे हैं। किस तरह से आप अपना जो गणतंत्र दिवस है वो मनाते हैं? ये एक बहुत गर्व का दिन है आज हम सबके लिए। तो हम दो फैसेट आज मनाते हैं। सबसे पहले, जैसे कि आपने देखा, हम अपने शहीदों से आशीर्वाद देते हैं, उनको सम्मान देते हैं, और इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे जहाँ पे हम आवाम के साथ अपना राष्ट्र ध्वज लहराएंगे और सब अपने आप से एक प्रॉमिस करेंगे कि राष्ट्र की अखंडता पर कोई आँच ना आए। दरअसल तभी देश में गणतंत्र दिवस हो या कोई त्यौहार हो मनाना मुमकिन होता है जब देश सुरक्षित हो, जब देश की सीमाएं सुरक्षित हो। क्योंकि देखा गया है कि जब इस तरह के उत्सव होते हैं, जब इस तरह के दिन होते हैं, तब सबसे ज़्यादा अलर्ट होता है, सबसे ज़्यादा खतरा होता है। क्या आप देशवासियों को आश्वासन देना चाहते हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप देश की रक्षा में लगे हैं? ये बातें हम सबको पता है, सिक्योरिटी ऑपरेटर्स अपनी जगह पर हैं, सब सचेत हैं, और बस मैं सबको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ना ही आज और ना ही इसके बाद कोई अनटॉवर्ड इंसिडेंट हम देंगे। जाहिर है, तो कहीं ना कहीं देश की सीमाओं से देश के जवानों और अफसरों का यही संकेत और यही जो है कहीं ना कहीं देशवासियों को आश्वासन कि देश सुरक्षित है जब वो देश की सीमाओं पर तैनात है। सेना ने आपको ये मौका दिया कि आप ही राष्ट्रीय ध्वज लहराएं, तो कब, कितने साल से आप लहराए हैं, किस तरह से आपके ताल्लुकात जो हैं आर्मी के साथ? मेरे ताल्लुकात आर्मी के साथ बहुत अच्छे हैं, क्यों, जब से यहाँ आर्मी आई तब से अमन आया, हमारे इलाके में अमन शांति रही, किसी को तंग नहीं किया, तो हमें, मैं दो चार साल से मैं झंडा लहराता हूँ। जब ये कहते हैं ये झंडा कौमी झंडा है, किसी की जात का झंडा नहीं है, न ये बीजेपी का है, न ये कांग्रेस का है, ये गांधी जी का झंडा है जिसको मैंने लहराया। किसी को, आपको बड़ा गौरव हो रहा है इस बात का कि आपको इतना सम्मान मिला यहाँ गांव में? बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों की कहानी है गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर, जहाँ पर सेना के साथ साथ आम लोग भी इस समारोह में शामिल होते हैं और उसकी शान यहाँ सीमाओं पर दिखती भी है। तारिक लोन के साथ अशरफ आनी, कुपवाड़ा।